I'm Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10th maths exercise 1.1 question number 2 of NCERT. In our previous video we have done with question number 1, and now in this video we'll proceed to question number 2. So question number 2 is, find the LCM and HCF of the following pairs and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो इस question में मुझे क्या करना है, मुझे pair of numbers दे रखे हैं, मुझे इनका LCM निकालना है, then HCF calculate करना है, उसके बाद मुझे verify करना है कि LCM into HCF is equal to product of two numbers. ये समझ लीजिए, ये एक identity है. क्या आइडेंटिटी है? LCM into HCF is equal to product of two numbers. So first part से हम स्टार्ट करते हैं 26 and 91. Okay? मुझे इनका क्या फाइंड आउट करना है, LCM और HCF. देखिए कैसे करती हूँ मैं. 2 ones are 2 threes are 13. ओके, यहाँ पर ये होगा अपना 7. 7 ones are 2 carry 7 threes are 21 एंड 13. ओके, सो 26 को वी कैन राइट लाइक दिस 2 into 13, बिकॉज इसके ये फैक्टर्स हो गए, एंड 91 को 7 into 13. ओके, नाउ LCM ऑफ 26 एंड 91 इज, देखिए LCM में हमें क्या करना होता है, जब हम LCM लेते हैं तो मुझे ये देखना होता है इन दोनों में क्या कॉमन है वो लेना है, क्या कॉमन नहीं है वो भी लेना है, प्लस हाईएस्ट पावर लेनी है. क्या कॉमन है लेना है वो भी, क्या कॉमन नहीं है वी ऑल्सो हैव टू टेक दैट, एंड वी हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर. सो क्या कॉमन है इन दोनों में, 13. हाईएस्ट पावर ऑफ 13 इज, देखिए 13 की यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो पावर 1 ही लेंगे. 1 हम लिखते नहीं हैं, इट इज़ अंडरस्टूड, बट स्टिल आई एम राइटिंग हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. एंड क्या कॉमन नहीं है, सो 2 and 7 are not common, क्योंकि 2 जो है इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, तो 2 और 7 भी हम लेंगे. तो ये LCM इसका आ गया, इसको मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे. नाउ HCF, अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं 26 एंड 91 का. देखिए HCF में क्या लेना है, जो कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर, जो कॉमन नहीं है उसको ड्रॉप कर देना है, नहीं लेना. HCF में क्या लेना है, जो कॉमन है वही लेना है सिर्फ, और उसकी भी लोएस्ट पावर. सो वी कैन सी दैट 13 इज कॉमन इन बोथ, एंड द लोएस्ट पावर ऑफ 13 इज, मीन्स पावर तो सेम ही है 1 1, तो छोटी पावर भी क्या हो गई 1. सो HCF इज 13. ओके, तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसी का, बट अभी ये पार्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है. व्हाई? बिकॉज इसमें मुझे ये भी बताना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि जो मेरा LCM और HCF है वो टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बीच में है. तो LCM मैंने कितना फाइंड आउट किया है, देखिए ये 13 इंटू 2 और 7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 14 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई ये मेरा हो गया LCM. HCF कितना है मेरा, 13, ठीक है, इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये मेरा आ रहा है 2 3 6 6. तो मैंने पहले क्या किया, LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया, आ गया 2 3 6 6. वो किसके इक्वल आना चाहिए, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के. तो मेरे दोनों नंबर्स कौन से हैं, मेरे दोनों नंबर्स थे 26 और 91. जब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर रही हूँ तो भी 2 3 6 6 आ रहा है, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो गई. तो समझ में आ गया आप लोगों को, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, और मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर रही हूँ. दैट मीन्स वी विल डू नेक्स्ट पार्ट 510 and 92, ठीक है. सो विल मूव टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज मतलब सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है, NCERT की बुक से करवा रही हूँ, देख लीजिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट इज 510 and 92. ओके, तो 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं. 510, 2 2s are 4, 1 carry 2 5s are 10, 1 carry 2 5s are 10. ये 12 आगे ऐड करके तो 3 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3 8s are 24, 3 5s are, नाउ 3 अगेन 3 2s are 6,
टू थ्री फाइव ज़ा 25, फाइव फाइव ज़ा 25 एंड फाइव वन ज़ा 5. सो 510 प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 2 × 3 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 2. नाउ विल प्रोसीड टू 92. 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 23 × 1 = ओके. नाउ फैक्टर्स ऑफ 92 आर 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 23. ओके, नाउ वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92. क्या सिखाया था मैंने एलसीएम में? एलसीएम में वी हैव टू टेक द नंबर्स विच आर कॉमन एंड द हाईएस्ट पावर प्लस द नंबर्स विच आर नॉट कॉमन. सो इन फैक्टर्स ऑफ 510 एंड इन फैक्टर्स ऑफ 92 वी कैन सी दैट कॉमन इज 2. फर्स्ट 2 इज कॉमन इन बोथ, बट वी विल टेक द हाइएस्ट पावर ऑफ 2. सो 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई, कौन से नंबर कॉमन नहीं है, वी विल ऑल्सो टेक दैट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 23. मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा, इतना आपको आता है ग्रेड 10th में. ओके, सो दिस इज द एलसीएम. नाउ वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92. ठीक है, तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था आपको, क्या लेना है एचसीएफ में, द नंबर्स विच आर कॉमन, ओनली कॉमन नंबर्स लेने आपको एंड दैट टू उनकी लोएस्ट पावर लेनी है. सो वी कैन सी दैट इन बोथ द केसेस ओनली 2 इज कॉमन, ओनली 2 इज कॉमन, बट वी विल टेक द लोएस्ट पावर ऑफ 2 दैट इज 1. सो द एचसीएफ इज 2 raised to the power 1. 1 वी डू नॉट राइट, सो एचसीएफ इज 2. ओके, नाउ we will, what we will do, we will verify as per the rule or identity, whatever, LCM into HCF is equals to product of two numbers. Okay, so LCM is here, you can see that this it's okay, aise hum likh lete hain, 23, this is LCM. And HCF is, I'm making different bracket to make you understand the difference. And HCF is 2. So, after multiplying all these, you will multiply 4, 6, 9, 2, 0. Okay? Aap multiply karke dekh lijiyega. And the LCM into HCF is equals to what? Is equals to product of two numbers. So what are the numbers? Numbers कौन से थे? 510 and 92 जिनका हमने LCM और HCF निकाला था. तो 510 और 92 को भी आप मल्टीप्लाई करके देखें, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम 4, 6, 9, 2, 0 विल कम. सो इट इज वेरी फाइड, इट इज वेरी फाइड. सो सेकेंड पार्ट भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का करवा दिया है. ओके, नोट कर लीजिए इसको ना. सो आर वी क्लियर टिल हियर, आर वी क्लियर टिल हियर? ओके, आप एक बार देख लीजिए, मैं उसके बाद जो है नेक्स्ट शीट पर प्रोसीड करूंगी. दैट मींस वी विल प्रोसीड टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 336 एंड 54. थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 336 एंड 54. ओके, 336 एंड व्हाट, 54. प्राइम फैक्टर करें सबसे पहले, 2 ones are 2, 1 carry 2 6 are 12, 2 8s are 16. And this will 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are
टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, थ्री सेवन ज़ा 21, सेवन ओके, एंड 54, टू टू ज़ा फोर, टू सेवन ज़ा नाउ, थ्री नाइन ज़ा 27, थ्री थ्री ज़ा 9, ओके. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 आर 2 raised to the power 4 multiply 3 multiply 7. Prime factors of 54 are 2 multiply 3 raised to the power 3. Now what? Now we will find LCM of 336 and 54. LCM of 336 and 54. Again I am repeating, in LCM we will take what is common and uski highest power, and also we will take what is uncommon. So first we will see what is common over here. We can see that 2 is common, so we will take the highest power of 2, 4, and 3 is common, we will take the highest power in case of LCM. Plus, we will also take what is not common, 7. So, this is LCM. Now, find HCF of 336 and 54. Again, I am telling you, in HCF, we will only take what is common and the lowest power of that. We will not take what is uncommon. So in this case, we can see that 2 and 3 is common, 2 and 3 are common, and the lowest power of 2 is 1, the lowest power of 3 is 3, so HCF is 6. Iska multiply khud kar lijiyega. Now what we will do, we will verify, okay? Verify kaise karna hai humko? First we will multiply LCM or HCF. LCM हमारा कितना आया था, 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 3 into 7. HCF आया था हमारा 6. Multiply जब हम इसको करके देखेंगे तो आ जाएगा 18 1 double 4. ओके, अब हमको ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के. ओके, किसके इक्वल है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो वो कौन से दो नंबर्स थे जिनका हमने HCF और LCM निकाला, 336 एंड 54. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम तो भी 18 1 double 4 आ रहा है. सो हैंस इट इज वेरीफाइड. ओके, सो वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 2. टाइम दे रही हूँ मैं आपको, समझ लीजिए.